एक सवाल करना चाह रही हूँ वर्तिका जी आपको कि आपको ये जेल में काम करने का प्रेरणा आपको जेल में काम औरतों के बीच काम करने की प्रेरणा कहाँ से आई है? मेरा सारा काम क्राइम रिपोर्टिंग के साथ ही रहा है और वर्षों तक क्राइम रिपोर्टिंग के साथ मैं जुड़ी रही, तो मुझे लगा कि क्राइम के कई अलग अलग पक्ष हैं, अलग अलग डायमेंशंस हैं। एक क्राइम वो है जिसे हम टेलीविजन में या फिल्मों में हम देखते हैं कि कोई क्राइम हुआ, किसी को पकड़ लिया गया, किसी पर कोई सज़ा हुई, कोर्ट ने उस सज़ा को मुकर्रर किया और वो इंसान जेल के अंदर चला गया। हमारे लिए आमतौर पर कहानी वहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे लगा कि कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती, वहाँ शुरू होती है, क्योंकि ज़िंदगी वहाँ पर किसी की ख़त्म होती है और उसके बाद फिर एक नई ज़िंदगी का नया पन्ना खुलता है। तो मैं वो देखना चाहती थी जिसे आम तौर पर हमारा समाज या तो जानता नहीं या जानना चाहता नहीं। और ये भी कि मैं ये भी जानती हूँ कि जेलों में कोई जाना नहीं चाहता, जेलों की बात कोई करना नहीं चाहता, कोई अपनी सुबह की शुरुआत जेल से नहीं करना चाहता, कोई अपने सपने में भी जेलों के किसी एक छोटे से ख्वाब को भी लाना नहीं चाहता। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये समाज जिसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जेल, क्योंकि कोई समाज जेल के बिना जी ही नहीं सकता, तो वो जेल है क्या? तो उसी जेल को समझते समझते मुझे लगा कि अब मुझे अपने आने वाले पूरे जीवन में जेलों पर काम करना है। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल लवर्स ऑफ लिटरेचर एंड गुड बुक्स ओवर हियर। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। And on behalf of Prabha Kethan Foundation and Ehsaas, Ehsaas is a group of creative women. I like to welcome all of you for this event. I would also like to welcome today we have Dr. Vartika Nanda with us. She is the founder of Tinka Tinka, which is a prison reform initiative. She is also a media educator. She is a trainer and she's an author. In conversation with her is Mr. U.T. Pawar. He is a superintendent of Yerwada Central Jail, and he has had a big record. You know, of like he's got many years of experience in this field. And basically, apart from being a disciplinarian and following the rule book, he also has been known to have a reformist attitude towards the prisoners, to try to understand their problems and try to sort them out. So I think this would be a great conversation to have between these two. And I welcome both of you to just... मैं as a journalist अक्सर जेलों में जाती थी और मुझे हर बार लगता था जो टीवी जर्नलिज्म से जुड़े रहे हैं या देखते रहे हैं, आपने देखा होगा टीवी बड़ा हड़बड़ी का माध्यम है, टीवी को सब कुछ जल्दी से बताना है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये स्टोरी है, बस अब ख़त्म, टीवी उसके आगे नहीं जाता। और मुझे यही बात बहुत बेचैन करती थी कि हम सिर्फ यहाँ तक अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं, 5 W's और 1 H, अपराध कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, फिर क्या हुआ, उसके बाद बात ख़त्म। और मुझे लग रहा था कि बात असल में उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि जब कोई जेल के अंदर जाता है तो उसकी पूरी दुनिया कट जाती है, पुरुषों के लिए अलग तरह से, महिलाओं के लिए तो एकदम ही अलग तरह से। अब मैं आपको पहले वो बताना चाहूँगी कैसे बदलती है। अपराध होते ही, और इसलिए मुझे इस काम को करने में मेरी एक दिलचस्पी थी, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे ही कोई जेल के अंदर जाता है हम उसे पूरी तरह से काट देते हैं, अपने मेंटल स्पेस से, अपने फिजिकल स्पेस से। और बहुत सारे लोग, मैं ऐसे कई ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो बहुत नामी लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हम जब जेल के अंदर गए हमें मिलने कोई नहीं आया। बहुत सारे लोगों को उनके नाते रिश्तेदार तुरंत भूल जाते हैं। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि जब कोई सक्सेसफुल होता है तो सब उसके साथ तस्वीरें खिंचा के फेसबुक पे डालते हैं कि हम इसे जानते हैं, लेकिन कोई जेल के बाहर जेल से आता है और अगर वो एक मामूली इंसान है तो उसे कोई याद नहीं रखना चाहता। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी जेल के अंदर गया वो हमारी दुनिया से बाहर चला जाए। और जैसे ही कोई जेल के अंदर जाता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है ये भी जानना कि जिस समाज को छोड़कर आया वहाँ क्या हो रहा है। जैसे मैं एक जेल में गई तो मैंने एक महिला से पूछा कि इस स्टेट की के चीफ मिनिस्टर कौन हैं, तो उसने जिस CM का नाम लिया वो 4 साल पहले थे, उसे नहीं पता था कि CM बदल गया है, जबकि वो पढ़ी लिखी महिला थी। फिर मैंने कहा कि गवर्नर कौन है, उसे नहीं मालूम था। अब ये मेरे और आपके लिए मामूली बात है, लेकिन आप सोचिए कि उस इंसान के लिए समय ठहर गया। जो जेल के अंदर जाता है उसका समय ठहर जाता है, उसकी घड़ी रुक जाती है, उसका कैलेंडर रुक जाता है, उसे समझ नहीं आता क्योंकि पिछला दिन जैसा था वैसा ही अगला दिन है और उसका अगला दिन भी वैसा ही होगा। और दूसरी चीज़ यह है कि महिलाओं के साथ तो और भी ज़्यादा कटाव होता है। अब मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ।
अब से करीब 2 महीना पहले मैं एक जेल में गई, उस जेल का मैं नाम नहीं लूंगी, तो मुझे सुपरिटेंडेंट ने कहा कि एक महिला अभी 5-6 दिन पहले आई है और वो आपसे मिलना चाहती है। तो मैंने कहा कि किस बारे में वो मिलना चाहती हैं, बोले कि नहीं वो लगता है उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो मैंने नाम पता पहले तो लिया और फिर मैंने जो उस स्टेट के डीजी हैं उनसे पूछा कि क्या आपको इस महिला के बारे में पता है, तो उन्होंने कहा नहीं दिमागी हालत तो उसकी ख़राब नहीं है, उसके साथ लगता है कुछ गलत हुआ है। अब आप देखिए कि मैं जब उस महिला से मिली तो मुझे क्या पता चला, उस मुझे मालूम ये हुआ कि असल में वो करीब करीब महीने भर से जेल में थी और वो जेल में कैसे आई। मैंने कहा कि यहाँ कैसे पहुँची, मैं आपको एग्जैक्ट कन्वर्जेशन सुनाती हूँ उसने क्या कहा। उसने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे पास तो एक गैस का सिलेंडर था, उसे लेकर जा रही थी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में। तो मैंने कहा अच्छा तो क्यों ले जा रही थी। उसने कहा कुछ नहीं, हस्बैंड ने कहा कि सास को चाहिए था सिलेंडर, वहाँ मिल नहीं रहा था, उन्होंने कहा तुम सिलेंडर लेकर चले जाओ। तो मैं चली गई, मैं तो बैठ गई ट्रेन में। फिर मैंने कहा क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ, वो आया टिकट कलेक्टर, उसने कहा कि ये तो इलीगल है तो तुम्हें तो जेल में डालेंगे। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ, बोली मालूम नहीं जब से यहाँ आई हूँ मैं बार बार कह रही हूँ मेरे हस्बैंड से बात कराओ और फ़ोन मेरा उनका जो है वो ये लोग बोलते हैं कि नंबर नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा अच्छा नंबर दो, तो हमने किसी को कहा कि अभी मिलाओ नंबर। ठीक है, हमने 50वीं बार नंबर मिलाया और वो फ़ोन बंद था। अब बताइए क्या हुआ। किसने फंसाया, मैंने उससे पूछा ये बताओ तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, उसने कहा रेलवे में IOW है। ठीक है, तो मैं अब क्या इस पर कहूँ, अब मैं आपसे जब इस समय बात कर रही हूँ वो महिला बीबी जेल में है। हाँ, लेकिन उसमें जो चार्जेस उस पर लग गए उन पर जब तक आप उसकी सुनवाई होगी कोर्ट्स में, कई बार डेट्स आपको लंबी डेट्स मिलेंगी, इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होती, कई बार बेल हो जाती है, बेल के पैसे नहीं होते या बेल देने वाला कोई नहीं आता, और ये बड़ी दुखद सी स्थिति है कि बहुत से मामलों में असल में बेल होने पर भी स्पेशली महिलाएँ जेल से बाहर निकल नहीं पाती हैं, और जब तक वो बाहर निकलती हैं तब तक बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होती है, या तो पति ने दूसरी शादी कर ली होती है या कोई और ज़िंदगी में आ गया होता है, बच्चे बदल गए होते हैं, बच्चों में एक बदलाव आ गया होता है क्योंकि उन्हें कुछ और बताया भी जाता है। लेकिन मैं ये कह के ये जस्टिफाई नहीं कर रही कि महिलाएं अपराध नहीं करती, करती हैं, महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं, अनुपात अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर इंसान जो जेल के अंदर है वो अपराधी नहीं, ये ज़रूरी बात है। जैसे 70% इनमेट्स जो जेलों में हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, इस पर NHRC ने कहा है, बहुत सारी और संस्थाओं ने भी कहा है कि ये बात तो सच है, और ये भी सच है कि बहुत से लोगों की सुनवाई के लिए भी किसी तरह की कोई मदद मिल पाना इतना आसान नहीं होता, चाहे वो बहुत वेल नोन लोग हों या फिर जिस भी तरह के, और सरकारों का बहुत रोल होता है क्योंकि इंडिया में जो प्रिजन है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट के अपने अपने मर्जी के मुताबिक काम होता है। अभी पवार सर से जो बात हो रही थी और वो सही कह रहे थे, ये तो मैंने हर स्टेट में देखा है, जैसा राजा होता है वैसी जेल होती है। राजा से मतलब है कि जो DG है, अगर DG को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो पूरी जेल आपको गाती हुई दिखेगी, और अगर DG को नॉवल पढ़ने का इंटरेस्ट है पूरी जेल नॉवल पढ़ती दिखेगी, और अगर DG को किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है पूरी जेल रूखी सूखी दिखेगी। कई जेलों में मैंने देखा अच्छा खासा रेडियो चल रहा था, जैसे ही DG साहब आए, क्योंकि उन्हें रेडियो पसंद था, सबसे पहले उन्होंने रेडियो बंद करा दिया, जितनी दीवारों पे पेंट था सब वाइट करवा दी, फिर जैसे ही DG बदला लगा जैसे जेल के अंदर चित्रहार आने लगा हो, इतने रंग आ गए, तो ये उन पर भी निर्भर करता है। दूसरा ये है कि जेलों में नेता कब जाते हैं इस पर भी डिपेंड करता है, कुछ जेलों में जैसे ही नेता पहुँचता है एक हिस्सा बहुत अच्छा हो जाता है और फिर वो झगड़ा शुरू होता है कि मुझे भी नेताजी के बैरक के पास उनके साथ उनकी सेवादारी में कहीं कोई काम मिल जाए, क्योंकि जहाँ नेता होता है वहाँ हरियाली होती है, और अगर पावरफुल नेता होता है तो कई बार ज़्यादा होती है। नेता भी किस लेवल का है इस पर भी डिपेंड करता है, अगर नेता का डूबता हुआ सितारा है तो डूबता ही रहेगा, लेकिन अगर उभरता हुआ, अब इस पर तो मैं क्या बोलूँ, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मैंने सोचा आप पूछेंगे नेता बाहर क्यों हैं, तो अब जैसे भी हैं वो जिस भी स्थिति से हैं, लेकिन ये इसका भी फर्क पड़ता है।
दूसरी बात है, बहुत बार ये भी होता है, मैं कितने इनमेट से मिलती हूँ, वो बोलते हैं कि, मैं उनसे पूछती हूँ जेल से छूटोगे तो क्या करोगे, तो वो बताते हैं हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मैं उन्हें बोलती हूँ कि जिस जेल में रहे हो उसके लिए क्या करोगे। कई बार वो लोग बोलते हैं हम ये करेंगे, लेकिन ये भी बता दूँ अभी तक मुझे एक भी सेलिब्रिटी ऐसा नहीं मिला, एक भी, जिसने जेल से छूटने के बाद जेल के लिए कुछ भी किया हो। एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये कि एक तो जेल वो है जो आप देखते हैं यहाँ पर, सेंट्रल जेल या फिर ज़िला जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, छोटी छोटी कई सारी जेलें, और एक जेल जो बहुत ख़ास है वो है ओपन जेल। और आपके महाराष्ट्र में इस समय दो ओपन जेल्स हैं ना, अभी दो ओपन जेल्स हैं, ये राफ्ट 14 हो गए, और इंडिया में इस समय 63 ओपन जेल्स हैं। महाराष्ट्र में 14 है, मैं भूल गई कि मैं महाराष्ट्र, हाँ हाँ, 63 ओपन जेल्स है इंडिया में। हाँ, ओपन जेल इस तरह से अलग होती है, उसमें भी दो तरह की होती है, एक सेमी ओपन जेल होती है, एक ओपन जेल होती है। ओपन जेल में कई जगहों पर तो यह है कि इनमेट्स पूरा दिन बाहर जा सकते हैं, शाम में लौट सकते हैं, कुछ ओपन जेल्स में वो अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब लास्ट लेग है उनका पनिशमेंट का, तो वो इस काबिल हो जाएं कि वो समाज में फिर से कॉन्फिडेंटली मूव कर पाएं। वो अगर रोज़ बाहर जाएंगे तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा, मैं भले ही 15 साल जेल में रहा, अब मैं थोड़ा बाहर मूव कर रहा हूँ, तो मैं अगर एक साल बाद छूटूंगा यहाँ से, रिलीज होऊंगा, तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं फिर से उस सोसाइटी का हिस्सा बन सकता हूँ। उसी तरह फैमिली की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये तो एक ओपन जेल हुआ। सेमी ओपन जेल में ये होता है कि आप जो है फैमिली वो अलाउ नहीं करते, उसमें भी अलग अलग तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन वो भी एक ट्रेडिशनल जेल जैसा नहीं होता, जहाँ पर कि बहुत सारी अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस होंगी। और जिस जेल की हम कल्पना हमेशा करते हैं वो जेल है, ज़्यादातर बहुत सारी जेलें ओवरक्राउडेड हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी वो इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ इनमेट्स इन इंडियन प्रिजंस पर बहुत दिनों से बहस चल रही है, और बहुत सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कहा गया कि आप बताइए कि आपकी जेलों में ओवरक्राउडिंग कितनी है और क्यों है। कुछ स्टेट्स ने जवाब दिया, कुछ ने नहीं दिया। कुछ ने अगर जवाब दिया और रेमेडी बताई, तो रेमेडी में ये नहीं बताया कि कब तक ये जेलें बन जाएंगी, हमें नई जेलों की भी ज़रूरत है, लेकिन हम उस पर बहुत बहस नहीं करते। क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि जेलों, जो जेल में है उसको वोटिंग राइट्स नहीं है। अब आप देखिए, जब इलेक्शन का समय होता है तो अच्छे भी अच्छे हो जाते हैं, बुरे तो अच्छे हो ही जाते हैं, लेकिन जो जेल के अंदर है क्योंकि उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं है, तो हम उनकी परवाह नहीं करते। और हमें ये भी लगता है कि वो हमारा कर क्या लेंगे, हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, सो लेट इट बी। लेकिन जो दूसरी दुनिया है, अब जब ये कहा जा रहा है कि और ओपन जेल्स खुलें, थोड़ी सी और बेटर सेमी ओपन जेल्स खुलें, तो शायद उससे भी कुछ परिस्थितियां बदलें। अभी मेरे पास बहुत सारी और कहानी है, लेकिन अब आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछिए, फिर मैं आगे बात करूँ। जो मेरे यहाँ एरवड़ा जेल में सुबह में 18,000 रोटियां और शाम में 18,000 रोटियां बनती है, वो प्रिजनर्स बनाते हैं। उनके लिए जो खाना बनता है हर रोज का, आप शायद ये कि गर्मी की एक शादी बना के देखो, महीना भर काम करते रहोगे 500 लोगों के बुला के, बरोबर 500 लोगों को बुलाना है तो महीना भर काम करेंगे, शादी में क्या खाना खिला लाए। मगर हमारे यहाँ जो देखो मैडम, जेल में जो खाना पीना होता है ना वो ठीक तरह से होता है, अनाज तो वही होता है, मगर बनाने वाला, जब मैडम कहती है ना, जो जैसे राजा होती है वैसी प्रजा चलती है। हमारे जेल में भी ऐसे है कि जेल के सुपरिटेंडेंट जो होता है उन पे बहुत डिपेंड होता है कि वो रिहैबिलिटेशन करना चाहता है, ठीक तरह से फैसिलिटी देना चाहता है, या अपने दिन निकालना चाहता है, ये अपने अपने सोच पे होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे, कुछ ऑफिसर्स है जो वो समझते हैं कि चलो अपने को ये सोशल वर्क करने के लिए मिला है, सर्विस तो कहीं भी कर सकते हैं, पेमेंट तो कहीं भी मिल सकता है, गुजरात तो कहीं भी हो सकता है, मगर इस जगह कोई ना कोई काम करना जरूरी है, तो उसके लिए वो लोग करते रहते हैं। फिर भी ऐसे मैडम जैसे जो बहुत सारे सोशल वर्कर एनजीओज वगैरह जब सपोर्ट करते हैं ना, तो तब उन लोगों को ऐसा लगता है कि चलो सोसाइटी में से कोई तो है जो हमें देख रहे हैं, यस देख रहे हैं, चलो ये बुरा है, ये सही है, ये करो। और जो राइट्स है उनके प्रिजनर्स के, सब दे दो, उनके राइट्स क्या हैं सब दे दो, बाकी उनकी दिक्कतें क्या होती है, बस एक इंटरव्यू होती है घर वालों की, खाना पीना अच्छा हो जाता है, और मेडिकल फैसिलिटीज, बस ये तीन चीज़ें दे दिए तो हमारा जेल आराम से ठीक तरह से शांत चलता रहता है। मगर नहीं ये हुए तो गड़बड़ी होती रहती है। मैडम जैसे बोले ये मिनिस्टर भी, हम इस बारे में बोलना नहीं चाहते, मगर मैं यहाँ बैठ के आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पुणे में या महाराष्ट्र में कहीं भी
अगर पूना जेल में अभी इतने बड़े बड़े लोग, आप नाम भी सुने होंगे, मैं नाम नहीं जानना चाहता, आप पेपर में पढ़ते होंगे, वो सब लोग है, पर वो एक आम प्रिजनर्स की तरह खाना खा के रहते हैं, आम प्रिजनर्स की तरह रहते हैं, उनका गुजारना, रहना, सोना वगैरह सब कुछ। उसको आदत नहीं होगी कि वो 10 बजे उठेगा, सुबह 6 बजे से पहले उठेगा तो उठेगा ही, 7:30 बजे उसके हाथ में नाश्ता मिलेगा तो मिलेगा ही। इसके वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो मेडिकल डाइट, जो डाइट होता है ना हमारा, उसको इतना ही खाना पड़ेगा, इतना ही नाश्ता मिलेगा, इतना ही दूध मिलेगा, इतना ही चाय मिलेगा, वो डाइट वो फिक्स हो जाता है। और टाइम पे खाना, टाइम पे सोना ये हो जाता है। तो कुछ बहुत सारे जो बाहर के बीमार लेके आए हुए बड़े बड़े लोग हैं, उनके बीपी और शुगर नॉर्मल हो चुके हैं। बात ये भी है कि हम लोग जब प्रिजन की बात करते हैं तो हमारा जो सोच है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। हमें लगता है जेल के अंदर या तो फिल्म स्टार होता है, या पॉलिटिशियन होता है, या कोई पावरफुल इन्फ्लुएंशियल इंसान होता है। बाकी लोग भी इंसान हैं और बाकियों की प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। इन सब की शायद उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इनकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक ये होती है कि ये लोग कई बार अपनी आइडेंटिटी के साथ थोड़ा स्ट्रगल करने लगते हैं कि जेल के अंदर की जो इमेज है उसे ब्रेक कैसे करना है, और ब्रेक करके फिर एक नई इमेज को आपने क्रिएट कैसे करना है। लेकिन जो ऑर्डिनरी सिटीजन जाता है उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उस वो फोकस में नहीं होता। तो मैं अब आपको, हाँ आप अपना सवाल पूछिए फिर मैं आपको। जी, वो जो बच्चे होते हैं प्रिजनर माओं के, उनका उनका लाइफ कैसा होता है, उनपे कैसे इन्फ्लुएंस होता है जेल का बुरा? ठीक, मैं एक छोटा सा हिस्सा अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगी। ये मेरी किताब है जो कल रात को आई, और मैं इसका बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी, और मुझे लग रहा था शायद मैं पुणे नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मैं इस किताब का वेट कर रही थी। आखिरकार ये रात में आ गई। इससे आप देखिएगा, ये मेरा मानना है कि ये दुनिया के अब तक का पहला ऐसा प्रयोग है जिसमें 19 लोगों ने एक प्रोजेक्ट पर काम किया है, और ये सब 19 लोग जेल के साथ जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं ये दिलचस्प चीज़ है। इसमें 12 मेल इनमेट्स हैं, 2 फीमेल इनमेट्स हैं, और 4 इतने छोटे बच्चे हैं 6 साल से कम उम्र के, ये 18 लोग। और 19वां है प्रहरी, जो किसी भी जेल में एक बहुत एक मामूली सी पोजिशन है, लेकिन वो रोज़ इनमेट्स को देखता है। इन 19 लोगों ने मिलके मेरे साथ इस किताब पे काम किया है। इसका नाम है तिनका तिनका मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश की अलग अलग जेलों में जो मैं विजिट करती रही, और फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पे काम किया। मैं ये चाहती थी कि आप और मैं जो सोच रहे ना कि जेल होती क्या है, ये किताब जेल को दिखाती है, जेल के पहले गेट से लेकर जेल से वापस आने तक। जेल में होता क्या है, जेल की किचन कैसी होती है, जेल में रसोई कैसे होती है, जेल में काम कैसे चलता है। तो मैं आपको आपको उसमें से 2 एक्सर्प्ट्स बताती हूँ। पहला एक्सर्प्ट मैं यहाँ से पढ़ूंगी। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं इसमें, ये पेड़ उज्जैन की जेल में है। एक दिन बहुत तेज तूफान आया और एक पेड़ गिर गया बड़ा सा, और इनमेट्स ने सोचा इतना खूबसूरत पेड़ ये गिरा है, इसे हम फेंकेंगे नहीं। उन्होंने उसे तराश दिया, और तराश के इसे इन्होंने जेल का मेन गेट के पास लगा दिया, और ये जेल का आज एक इम्पॉर्टेंट पहचान है। जो यहाँ से मैंने शुरू किया है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। जेल में बाहर से ना तो कोई रसोईया आता है, ना हजाम, जो भी सर बात कर रहे थे, जेल में कोई कुक नहीं है, सब वो अपना काम खुद करेंगे, और कोई नाई भी नहीं है। जेल में बाहर से ना कोई रसोईया आता है, ना हजाम, ना माली, ना मोची। जेलें सब कुछ नए सिरे से शुरू करने और ज़िंदगी के अस्थाई होने के भाव से भाव को समझने में माहिर होती हैं। जेलें जानती हैं जो आया है वो लौटेगा। इस भाव के साथ हमने इसको शुरू किया। और जो आप बच्चों की बात कर रही हैं, ये 4 बच्चे मेरे साथ जुड़े। इन 4ों की माएँ जेल के अंदर हैं। इनमें से 3 बच्चे जेल के अंदर पैदा हुए हैं। इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, सिवाय इसके कि उनकी माँ या उनके पिता से कोई अपराध हो गया था, और घर में उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। ये बच्चे जेल के अंदर आ गए। इन बच्चों की तस्वीरों को, चेहरों को हमने कहीं नहीं दिखाया है। ये सिर्फ मेरे साथ चलते हुए, बैठते बैठे हुए, कुछ कहते हुए दिखते हैं इसमें। कुछ एक इनके साथ मेरे कुछ वीडियोस भी हैं, उसमें भी उन बच्चों का चेहरा नहीं दिख रहा। इन बच्चों की कुछ हंसी है मेरे पास, जो बड़े अलग तरह की हंसी है। अब मैं इसमें से एक बच्चा, एक हिस्सा आपको पढ़कर सुना रही हूँ। मंटू से मैंने पूछा, मंटू जेल में एक बच्चा है, मंटू से मैंने पूछा, ये बताओ तस्वीर में तुमने जो घर बनाया है ये घर किसका है? उसने कहा, ये घर मेरा है। मैंने पूछा, कहाँ है तुम्हारा घर? उसने कहा,
वही सामने वाला। मैं सामने देखती हूँ, मेरे सामने जेल है, वो बैरक जिसमें वो अपनी माँ के साथ रहता है, अब यही उसका घर है। इस बच्चे ने कोई घर नहीं देखा। मैं अगली विजिट में फिर गई, फिर मैंने मंटू से पूछा, ये उसका असली नाम नहीं है, उसका नाम कुछ और है। मैंने कहा, मंटू क्या क्या हुआ, क्या कर रहे थे इतने दिनों से? तो उसने कहा कि यहीं पर खेल रहा था मैं। तो मैंने कहा, और नया क्या हुआ? इसने कहा, मैंने बहुत बड़ा सा घोड़ा देखा। तो मैंने कहा, अच्छा घोड़ा कहाँ देखा तुमने? पेड़ पर चढ़ा था। तो मैंने कहा, अच्छा तो किस रंग का था वो? आप समझ सकते हैं उसने किसको देखा? उसने गिलहरी को देखा। उस बच्चे ने जिंदगी में घोड़ा देखा ही नहीं, उसने तो घोड़े वाला एक गाना सुना था, तो उसे लगा कि यही घोड़ा होगा, क्योंकि उसने गाने में सुना था घोड़ा तेज भागता है। तो उसने गिलहरी को तेज से चढ़ते हुए देखा, उसने सोचा यही घोड़ा है। इन बच्चों ने कुछ नहीं देखा, लेकिन मुझे जो दुख आता है, होता है, मुझे इतने लोग संपर्क करते हैं, हम जेलों के लिए कुछ करना चाहते हैं। असल में 90% लोग कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ जेल की कहानी सुनना चाहते हैं, क्योंकि जेल की कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और मैं कहानी नहीं सुनाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम जेलों के लिए कुछ करें। जिन्हें अपराध जिन्होंने किया, उन्हें उसकी सज़ा मिल रही है। कम से कम वो लोग हमारे ज़्यादा सम्मान के हकदार हैं कि अपने अपराध की सज़ा उन्हें मिली। हम तो उन्हें सम्मान दे देते हैं जिन्हें अपराध करने के बावजूद सज़ा नहीं मिली। हम तो उन्हें VIP बना के स्टेज पे बिठा देते हैं, सर आइए इनॉग्रेट कर दीजिएगा, योर ऑनरेबल आपके साथ बैठना चाहेंगे, फ़ोटो खिंचवाना चाहेंगे, सर मेरी बुक रिलीज़ कर दीजिएगा, एक प्रोग्राम में आ जाइएगा। हम उन्हें नहीं बोलते, सर आप अंदर दिखते तो ज़्यादा खुशी होती मुझे, थे तो आप इसी के लायक। हम उन्हें ये नहीं बोलते। और इन बच्चों के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे ये समझ में आया कि हम लोग इतने इनसेंसिटिव कई बार हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चे बाहर निकलते हैं 6 साल बाद, और जब ये किसी NGO में जाते हैं, और जब ये बच्चे 20, 21, 22 साल के भी हो जाते हैं, किसी नौकरी के लिए जाते हैं, और एम्प्लॉयर को अगर पता लग जाता है कि इनकी माँ या इनका पिता जेल में था, इन्हें नौकरी नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती क्योंकि कोई जेल के अंदर था, ये जाने बिना कि इन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मैडम जैसे कहते हैं कि 6 साल की उम्र तक के बच्चों को अंदर उनके माँ के साथ रखा जाता है, जैसे उसको बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो गवर्नमेंट ने या अपने महिला बाल कल्याण विभागों ने बहुत सारे अपने महाराष्ट्र में वो कुछ सुविधाएँ दी हैं जो बाहर की तरह, अभी स्कूल के लिए उनको बाहर ले जाता है। बाहर मेरे अपने पास आंगनबाड़ी होती है, आंगनबाड़ी हर विलेज में और हर कॉरपोरेशन में होती है, तो हमने एक काम किया कि जेल के बाहर ही आंगनबाड़ी बना दी। आपने किया, कुछ और स्टेट्स ने भी किया, लेकिन कईयों ने ना आंगन बनाया ना बाड़ी बनाई। तो फिर वो तो ऐसे ही है, अभी महाराष्ट्र में जो है ना हर सेंट्रल जेल के बाहर एक आंगनबाड़ी ऐसे बना दी, और जहाँ कुछ जेल के स्टाफ जो होते हैं, हमारे ऑफिसर और लोअर स्टाफ होते ना, उनके बच्चों के साथ उनको स्कूल में भेजा जाता है ताकि उनको ऐसा ना लगे। हाँ, और वो जेल के बाहर होने की वजह से उनको बाहर की क्या चीज़ें हैं, कोई रास्ता रहे, कोई गए रहे, भैंस रहे, अभी एरिया बहुत जेल का बहुत होता है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा, पर वो कितने घंटे होते हैं, रोज 4 घंटे बाहर होते हैं, और उनके लिए बाहर के गवर्नमेंट के जो आंगनवाड़ी सेविका और मदतनीश जो टीचर होते हैं ना, वो लोग पढ़ाते करते हैं, और अंदर ही जेल में उनके लिए जो अपने गवर्नमेंट की ओर से आया वगैरह। अभी मैडम जैसे बात कर रहे बोल रहे कि अभी हमारे पास देखो, अभी ये साल में मैम जो अनमैरिड वुमेन अगर वो प्रेग्नेंट होके आती है तो उसका केस है क्या? अभी कल ही हमने एक को एडमिट किया मैम, वो तो अभी राइट्स है कि वो रखना चाहते नहीं है, पर वो मानते ही नहीं है। अगर ये हो गया, अभी वो प्रिजनर्स में उनका अगर वो चाइल्ड अगर बॉर्न होता है तो उसका प्लेस कहाँ लिखा जाए, उसका प्लेस क्या होगा? तो हमने ये किया कि उसको अगर अभी ससुन हॉस्पिटल है ना, तो उसका प्लेस वहीं के लिखा हो, जेल लिखने का नहीं, कि उसके डेट ऑफ बर्थ जो होता है ना वो जेल नहीं आएगा। ये एक्चुअली एक जो सर्च इसका जिक्र कर रहे हैं कि एक कमेटी, जस्टिस मुल्ला कमेटी ने कहा था कि जो भी बच्चा जेल में पैदा हो उसका लोकेशन कभी जेल नहीं लिखा जाएगा। ये सबसे अच्छी बात जो हुई, क्योंकि उससे मदर एंड चाइल्ड बोथ ऑफ देम एटलीस्ट फील सिक्योर्ड अबाउट इट। लेकिन ये भी है कि जैसे एक स्टेट में जब हमने बार बार ये कहा
कि आप बच्चों को कभी तो बाहर ले जाइए। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत जोर देने के बाद आपको यकीन नहीं हुआ कि वो बच्चों को किस में लेकर गए। वो एक ट्रिप में तो एम्बुलेंस में ले गए। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस ही अवेलेबल थी। मैंने उनसे कहा अपने बच्चों को आप एम्बुलेंस में ले जाते क्या? आपके अपने बच्चे होते तो आप एम्बुलेंस में ले जाते? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगली बार अच्छा इंतज़ाम करेंगे। दूसरी बार और भी अच्छा इंतज़ाम किया, दूसरी बार जेल की गाड़ी में ले गए। इस बार तो मुझसे ये भी नहीं पूछा गया आप ये करते क्या। तो हम कभी कभी ऐसा भी कर देते हैं। लेकिन ये भी बात है कि कई स्टेट्स बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं। कई स्टेट्स ने कोशिश की है कि एक इंसान की जो लिबर्टी है या जो उसकी एक इज्जत है, जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू फ्रीडम है, उसको हम जहाँ बेसिक मिनिमम तौर पर जहाँ बचा सकें हम लोग ज़रूर बचा लें। अभी मैंने मॉरिशस की जेलों को देखा। मैं जिस भी शहर में जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ वहाँ की जेल ज़रूर देख कर आऊँ। और इसलिए मैं जब भी किसी प्रोग्राम में जाती हूँ और मैं अगर एक दिन के लिए गायब हो जाती हूँ तो लोग समझ जाते हैं कि मैं जेल ही में गई हूँ। और मैं ज़रूर देख कर आती हूँ क्योंकि जेलें जो हैं वो ये बताती हैं कि आपका समाज और आपका स्टेट कैसा है। ये सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है। जैसे जैसे हम में से ज्यादातर लोग इनमेट्स पे यकीन नहीं करते, वैसे इनमेट्स हम पे यकीन नहीं करते। इनमेट्स हेट अस, मोस्ट ऑफ देम हेट अस एंड दे राइटली हेट अस। व्हाई? अब अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड राइटली सो, राइटली सो। क्योंकि आमतौर पे एक तो जब लोग जेल देखने जाते हैं दे आर वेरी एक्साइटेड, अरे एक कैदी को वहाँ देखा, एक वहाँ था, एक वहाँ था, देखो कैसे खा रहे थे। दे डोंट लाइक इट, ऑब्वियसली नो बडी वुड लाइक इट। नंबर टू, दे ऑल्सो थिंक कि ज़्यादातर लोग अगर आएंगे तो एक कोई स्टोरी करके चले जाएंगे। एंड नंबर थ्री, दे विल ब्रेक देयर ट्रस्ट। अगर जैसे मैं इतने सालों में अगर कर पाई हूँ तो शायद इसलिए कर पाई हूँ कि एक विश्वास है। अगर इनमें से किसी ने मुझे कह दिया है कि ये बात आप किसी को हमारे जिंदा रहते नहीं बोलिएगा तो मैं कभी नहीं बोलूँगी चाहे कुछ हो जाए। अगर आपको टाइम मिले तो यूट्यूब पर आप इंटरव्यू देखिएगा जो मैंने नूपुर तलवार का किया था। वो जेल के अंदर थी जब मैंने इंटरव्यू किया और वो पहला और आखिरी इंटरव्यू है जेल के अंदर से। और मेरी किताब जब हिंदी में हो गई थी तिनका तिनका डासना, इससे पहले मेरी ये किताब तिहाड़ से आई थी, दूसरी किताब डासना जेल से आई थी जिसमें ये लोग भी थे, बाकी इनमेट्स भी थे। और वो किताब उन कैदियों पर थी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर थे। तो मैं हर बार जब भी जेल को उठाती हूँ तो मैं पिछले काम से एकदम अलग करती हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू रिपीट वॉट आई हैव डन प्रीवियसली। उस किताब को जब पूरा मैंने कर लिया, मैंने इनमेट से पूछा वुड यू लाइक टू ट्रांसलेट, कोई कुछ नहीं बोला। एंड देन आई आस्क्ड हर वुड यू लाइक टू ट्रांसलेट, शी वॉज वेरी हेजिटेंट बट आई समहाउ कन्विंस्ड हर, शी ट्रांसलेटेड इट एंड आई हैव पुट हर नेम ऑन द टॉप ऑफ द बुक। उनका नाम कवर पर है और एक इंटरव्यू है, आप उस इंटरव्यू को देखिएगा। उस इंटरव्यू को मैंने उस दिन रिलीज़ किया जिस दिन वो जेल से रिलीज़ हुई, क्योंकि मैंने जेल अथॉरिटीज़ को ये प्रॉमिस दिया था कि इसे चाहे 10 साल बाद ये रिलीज़ हो मैं दूंगी तभी। और वो रिलीज़ हुई। रिलीज़ होने के बाद 50 ने मुझसे पूछा कि मैंने डायरेक्टली ये क्यों नहीं पूछा, उन्होंने मारा है नहीं मारा। ये सवाल पूछना मेरा काम नहीं है। मेरा सवाल किसी इंसान से ये पूछने का है कि एज अ इंसान उसका उसकी ज़िंदगी जेल के अंदर कैसी थी, क्यों थी, क्या बदलाव आए। मैं कोई नहीं होती उनसे ये पूछने वाली कि आपने अपराध क्यों किया, क्योंकि मैं तो जानती नहीं अपराध हुआ या नहीं हुआ। ये हम लोग अभी सब रिहैबिलिटेशन एंड योगा वगैरह सब के बारे में हमने बात करी। मुझे ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये अपराध करके लोग आए हुए हैं जेल में, सच में अपराध किया है नहीं है ये नहीं पता है, लेकिन हम मानते हैं कि अपराध करके आए, तो जेल में सजा क्या होती, सजा के तौर पे जेल में क्या? मैडम की बात बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये बात आपका जायज सवाल है कि जिसने पनिशमेंट, जिसने क्राइम किया उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ये बात सही है। आपके साथ किसी के साथ भी कोई अपराध करेगा और आप उसे कह दें कि भाई कोई बात नहीं तुम्हें सजा नहीं होगी तुम बैठो आराम से, किसी को भी ठीक नहीं लगेगा। पनिशमेंट ज़रूर हो, लेकिन एक तो पनिशमेंट की जो मियाद है उस मियाद को ध्यान रखा जाए, दूसरी बात जो बेसिक राइट्स हैं उसका ध्यान रखा जाए और रिफॉर्मेशन पर ध्यान हो। इसलिए कि जिसने क्राइम किया, बहुत सारे लोग क्राइम करने के बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। इसमें लास्ट एक हिस्सा है, मुट्ठी में काश सामने बड़ा आकाश, उसे आप पढ़िएगा आपको ताज्जुब होगा। मैंने कम से कम 600 का डेटा इकट्ठा किया और आपको सुनकर हंसी भी आएगी।
600 लोगों के पास मैंने भेजा था क्वेश्चनेयर. पहला सवाल उसमें ये था कि सबसे बड़ा पश्चाताप क्या है, और दूसरा बात सबसे बड़े आपके सपने क्या हैं, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं. मैक्सिमम ने रिपेंट किया, ये गलती हुई, और मैक्सिमम ने ये लिखा कि काश उस समय मुझे गुस्सा ना आया होता. मैक्सिमम ने लिखा, लेकिन जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं वो ये कभी नहीं लिखते. दूसरी बात, ये फर्क है. दूसरी बात, देखिए जो मैंने इस किताब में जितने लोग भी इस्तेमाल किए हैं, जिनके नाम मैंने लिखे हैं, वो सब वो हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया है हमसे क्राइम हुआ, और काश हमने ऐसा नहीं किया होता, और सामने बड़ा आकाश, हमें सामने उम्मीद दिख रही है. उम्मीद में जो इंटरेस्टिंग बात है उसमें ये है कि ज़्यादातर ने लिखा है कि जेल से छूटने के बाद क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं. मतलब एक जेल से छूट के दूसरी जेल में अभी भी एक बार, तो ये भी एक है, जिंदगी का एक नज़रिया है. किसी के लिए कोई चीज़ मज़ेदार है किसी के लिए, लेकिन कोई सपना तो है, कुछ तो है जो करना चाहते हैं. जैसे किसी ने कहा कि मैं एक रिलीजियस सेंटर खोलना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, और एक बात और बड़ी कॉमन है कि मैक्सिमम इनमेट्स ने लिखा कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ. हम और आप इस बाहर की दुनिया में रहकर भी कितने अपने पेरेंट्स के लिए समय देते हैं, और सोचिए जो जेल के अंदर है उसकी तड़प कितनी गहरी है कि मैं अपनी माँ या अपने पिता की सेवा करना चाहता हूँ. इसलिए जो मैं आखिरी बात कहना चाहती हूँ वो ये कि हम लोग जब जेल में जाते हैं उन्हें बहुत सारी बातें कह के आते हैं, ये हमसे सीखो, ये सीखो. मुझे लगता है बात एकदम उलट है. सीखना हमें चाहिए कैदियों से, उन्हें हमसे नहीं सीखना. जेल की ज़िंदगी ने मुझे बहुत सिखाया है. उसने मुझे सिखाया है कि कैसे ज़िंदगी में नॉन जजमेंटल होकर आप जी सकते हैं, और कैसे ज़िंदगी में आपके वैल्यू सिस्टम का कितना बड़ा रोल है, और कैसे बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारे सपने, बहुत सारी उम्मीदें हैं जिन्हें हम बाहर की दुनिया में ज़रा सी भी अहमियत नहीं देते, उसको अहमियत वो देते हैं जिस समय को हम अहमियत नहीं देते. आपको समय मिले तो YouTube में एक और लिंक है मेरा, तिनका तिनका डासना. हमने डासना जेल में एक दीवार बनाई जो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की किसी जेल में वैसी दीवार नहीं होगी. उस दीवार में 10 एलिमेंट्स हैं. आप उन्हें देखेंगे तो आप ताज्जुब मान जाएंगे कि चार इनमेट्स ने मेरी दी हुई ड्राइंग को कैसे उसे इतनी सुंदर बनाया है, और उसके आखिर के हिस्से में एक वॉल है जो ये दिखाती है कि उम्मीद है. तो अगर आपको समझना है कि उम्मीद क्या है, तो मेरा ख्याल है जेल इज द बेस्ट प्लेस. आई वुड लाइक नीलम टू फेलिसिटेट वर्तिका जी. For being so informative. I think, thank you, Pawar Sahab. कलम और प्रभा खेतान फाउंडेशन के साथ पुणे में आज का आयोजन बहुत ही सार्थक और सफल रहा. तिनका तिनका के तौर पर हम जेलों और समाज के बीच जिस पुल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कलम और प्रभा खेतान फाउंडेशन ने एक ऐसा मंच बनने का की कोशिश की है, और ऐसे मंच को मुहैया कराया है जो जेलों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर सकती हैं. क्योंकि जेलों के बारे में आमतौर पर समाज वही जानता है जो मीडिया के ज़रिए उसे परोस दिया जाता है या जो फिल्मों में दिखता है, लेकिन जेलों का सच इससे कहीं आगे है. मुझे बहुत खुशी है कि 19 बंदियों के साथ मिलकर जिस दिन का तिनका मध्य प्रदेश पर हमने काम किया, और 1.5 साल बाद आज वो किताब पहली बार खुली, मध्य प्रदेश की किताब पुणे में, तो उसने मुझे भी एक अलग तरह का अनुभव दिया.